आप मुझे अनअकैडमी पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहां जाकर हरबीर सिंह सर्च करें। थैंक यू। हाय, नमस्कार साथियों, मैं हरबीर सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने स्टडी चैनल लर्न इजी विद हरबीर सिंह में। तो गाइस, मैं सभी क्वेश्चंस के आंसर नहीं दे पा रहा हूं, लेकिन अभी मैंने कुछ क्वेश्चन सिलेक्ट किए हैं जिनके मैं आंसर आपको देने वाला हूं। तो काफ़ी फ्रेंड्स के क्वेश्चन आ रहे हैं बार बार, तो मैं अभी वो क्वेश्चन देखता हूँ और जो मोस्टली क्वेश्चन पूछे गए हैं उन्हीं क्वेश्चन के मैं आंसर दे रहा हूँ। हालांकि मैंने बहुत क्वेश्चन के आंसर देने की कोशिश भी की है, लेकिन अभी जो क्वेश्चन है, सिलेक्टेड क्वेश्चन है, मैं उनके आंसर आपको दे देता हूँ। तो सबसे पहले विकी शर्मा जी लिखते हैं, सर क्या रिपीटेड क्वेश्चन डिलीट होंगे तो क्या टोटल गेन मार्क्स में से सिर्फ उनके ही नंबर कटेंगे, या अगर सपोज करो कि 10 क्वेश्चन रिपीटेड और उनमें से 5 राइट थे तो सिर्फ 5 ही कम होंगे, या ये तो नहीं होगा कि उससे अलग मार्क्स भी कटेंगे? तो विकी शर्मा जी का जो क्वेश्चन है मैं बता देता हूं। विकी जी, अगर 10 क्वेश्चन रिपीटेड हैं तो ऐसा नहीं है कि उनमें से 5 सही हैं तो 5 दूसरे में से कटेंगे मार्क्स, ऐसा नहीं है। 10 जो रिपीटेड हैं उनमें से आपके कितने भी सही हैं कितने भी गलत हैं वो मार्क्स आपके काट लिए जाएंगे। और मान के चलो आपके 10 क्वेश्चन रिपीटेड है आपके एग्जाम में, तो उनमें से अगर आपके 7 सही हैं तो 7 नंबर काट लिए जाएंगे, ऐसा नहीं कि 10 मार्क्स काटे जाएंगे, ऐसा नहीं है। जितने सही हैं उसमें से उतने ही मार्क्स कटेंगे आपके। इसके बाद है अजय कुमार जी लिखते हैं, क्या 30 सितंबर के भी क्वेश्चन डिलीट होंगे क्या सर जी? तो अजय कुमार जी, मैं आपको बता देता हूं, अभी DSSB ने जो नोटिस डाला था उसके अकॉर्डिंग क्या है कि जो क्वेश्चन रिपीटेड हुए हैं, रिपीटेड का मतलब है रिपीट होना, मतलब अगर 30 को कोई एग्जाम हुआ था और उसमें क्वेश्चन आए हैं, लेकिन वो क्वेश्चन क्या फ्रेश क्वेश्चन है, 13 को आए हैं 30 वाले में से, मतलब 13 को 30 वाले में से आए हैं, तो वो क्वेश्चन क्या है 13 में रिपीटेड है, ऐसे ही करके 14 में, ऐसे ही 28 में, तो 13, 14 और 28 में इनमें मार्क्स काटे जाएंगे। और देखते हैं DSSB का क्या फाइनल वो रहेगा, लेकिन जहां तक है यही होगा, तो आप टेंशन ना लें, 30 वाले से मार्क्स नहीं कटेंगे, और जहां तक है नॉर्मलाइजेशन में इनको फायदा भी मिलेगा। इसके बाद कन्नू इंसा जी लिखते हैं, कैंसल होना चाहिए एग्जाम, मेहनत हमने भी की थी बट 28 वालों के साथ अच्छा नहीं हुआ। तो ये कन्नू जी, शायद इनका एग्जाम 28 को हुआ है, तो कन्नू जी ने जो लिखा है वो काफी हद तक सही है, लेकिन हम चाहते हैं कि इनके साथ कुछ अच्छा हो, ऐसा ना हो कि इनको बहुत ज्यादा नुकसान मिले। और जहां तक ये 25 की अफवाह चल रही है, मुझे नहीं लगता कि 25 मार्क्स काटे जाएंगे, और देखते हैं DSSB क्या सॉल्यूशन करके देता है। इसके बाद प्रीति कुंडू जी लिखते हैं, सर कितने क्वेश्चन डिलीट होंगे 28 वालों के? तो मैं बता देना चाहता हूं, 28 वालों के मुझे नहीं लगता कि 25 क्वेश्चन डिलीट होंगे, अभी देखते हैं क्या होता है। हो सकता है कि DSSB सेम टू सेम क्वेश्चन मैच करे कि सेम टू सेम कितने हैं, और अगर सेम टू सेम का देखा जाए तो इतने क्वेश्चन नहीं है, वो थोड़ी चेंज करके दे रखे हैं, तो इस हिसाब से मुझे नहीं लगता कि 25 क्वेश्चन डिलीट होंगे, लेकिन अभी और देखते हैं DSSB क्या करता है। और इस मुद्दे पे हम जल्दी ही DSSB से डिस्कस करना चाहेंगे कि DSSB किस हिसाब से मार्क्स डिलीट करेगा। तो गाइस, उम्मीद करता हूं आपको आपके क्वेश्चंस के जो आंसर है मिल चुके होंगे। तो गाइस, गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक यू। गाइस, आपके जो भी क्वेश्चन हैं आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं, और जो क्वेश्चन लगेंगे कि बहुत इंपॉर्टेंट है उन्हें मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको जरूर बताने की कोशिश करूंगा। तो गाइस, गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।